वो गोपीनाथ मुंडे अपने ही बयान से बुरी तरह घिर गए हैं। कल मुंडे ने दावा किया था कि पिछली बार लोकसभा चुनाव में उन्होंने 8 करोड़ रुपए खर्च किए थे। आज कांग्रेस और एनसीपी ने मुंडे को अपने निशाने पर लिया और चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। मुंडे महाराष्ट्र के बीड से सांसद हैं और लोकसभा में बीजेपी के उपनेता हैं। मुंबई में विनय सहस्त्राब्दी की किताब बियॉन्ड बिलियन बैलेट्स के लॉन्च पर गोपीनाथ मुंडे ने बहुत बड़ा खुलासा किया। खर्चीले चुनावों की बात करते करते मुंडे ने 2009 में अपने चुनाव के खर्चे का हिसाब खोल कर रख दिया। पहिल्यांदा 1980 साली आमदार झालो, तेव्हापासून मी आता लोकप्रतिनिधी। पहिली निवडणूक मी 29,000 जिंकलो, ज्यामध्ये 22,000 निधी मला मिळाला, मला 7,000 रुपये खर्च करावे। गेल्या वर्षीची निवडणूक मी 8 कोटी रुपये खर्च करून, इलेक्शन वाले नसतील तर, आणि आता इलेक्शन गेट झाली तरी मी आता काय 5-6 महिने राहिले। दरअसल चुनाव आयोग समय समय पर चुनाव में खर्च की सीमा तय करता है। 2009 के चुनावों में लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार के लिए ये सीमा 25 लाख रुपए थी। हर उम्मीदवार चुनाव आयोग के पास ये हलफनामा दायर करता है कि वो 25 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करेगा, और बाद में उसे खर्च का हिसाब किताब भी देना होता है। जाहिर है मुंडे ने भी यह हलफनामा दायर किया होगा। इसी आधार पर कांग्रेस ने मुंडे पर हमला बोला और कहा कि चुनाव आयोग को मुंडे से सफाई मांगनी चाहिए। Mr. Munde has gone over the 25 lakh limit by an nth number of times. Then I guess it is for Mr. Munde to explain his case to the Election Commission or the Election Commission to ask him. अपने बयान से मुंडे मुश्किल में फंस गए हैं। उनकी बेबाक बयानबाजी पर बीजेपी को भी सफाई देते नहीं बन रहा। उन्होंने चुनाव प्रचार में अपने खर्च नहीं किए, ये कहा है उनका, हमने देखा है कि इतने खर्च हुए हैं और तमाम तरह के होते हैं। एक कैंडिडेट पे नहीं, बहुत से कैंडिडेट्स की बात कर रहे होंगे, वो जनरल बात है, लेकिन ये बात सही है। इसीलिए हमारी जो कमेटी है चुनाव सुधार से संबंधित, उसने कई रिकमेंडेशंस की है। नकवी साहब कह रहे हैं कि मुंडे ने कई उम्मीदवारों की बात की, लेकिन मुंडे के बयान से साफ है कि वो सिर्फ अपनी बात कर रहे थे। वैसे इससे भी दिलचस्प और बेबाक बयान समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने दिया। नरेश अग्रवाल कहते हैं कि चुनाव खर्च इतना बढ़ गया है कि नेताओं का ईमानदार रहना मुश्किल है। आज चुनाव जितना खर्चीला हो गया है, उससे राजनीतिक लोगों को एक तरीके से ईमानदार रहने में बड़ी परेशानी हो रही है। हमें किसी न किसी की मदद लेनी होती, जब जिसकी मदद लेते हैं चुनाव के दिनों में, तो फिर उसकी मदद करनी भी पड़ती है। अब उस मदद को लोग कह दिया जाता है कि लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो राजनीतिक लोगों की मजबूरी भी जनता को समझनी चाहिए। महाराष्ट्र में बीजेपी के विरोधी एनसीपी के नेता और गृहमंत्री आरआर पाटिल ने कहा है कि चुनाव आयोग अब फैसला करे कि मुंडे को अगला चुनाव लड़ने दिया जाए या नहीं। दरअसल जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 10A के तहत अगर चुनाव आयोग इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि किसी उम्मीदवार ने खर्च का ब्यौरा सही सही नहीं दिया है, तो उस उम्मीदवार के 3 साल तक लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जा सकती है। बीजेपी चुनाव सुधारों की दलील देकर मुंडे का बचाव कर रही है, लेकिन मौजूदा चुनाव कानून के मुताबिक मुंडे मुश्किल में पड़ सकते हैं। अभिषेक शर्मा, मुंबई, इंडिया न्यूज़।